Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I'm back with another video. So today's video is about the GST place of supply, and we are going to discuss about some of the important points of place of supply. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में. मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स मिल रहे थे कि स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन द प्लेस ऑफ सप्लाई कंसेप्ट. तो आज इस वीडियो के बेसिस पे मैं सारे बेसिक्स आपके प्लेस ऑफ सप्लाई के क्लियर करने वाला हूँ. जो पेपर में 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, यू नीड टू फाइंड आउट द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड वी नीड टू ऑल्सो राइट रीजन्स फॉर द प्लेस ऑफ सप्लाई. तो टोटल 2 मार्क्स का एक एक पॉइंट आएगा. 1 मार्क आपके पॉइंट के लिए रहेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए रहेगा, और 1 मार्क्स आपके रीजंस के लिए रहेगा. सो बेसिकली प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है. तो इस वीडियो में पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे आइडेंटिफाई होता है, और उसके बाद में एक आपको क्वेश्चन के भी पॉइंट्स को एनालाइज करके बताऊंगा कि वेदर प्लेस ऑफ सप्लाई के जो रूल्स मैंने आपको बताया है वो सेम टू सेम रूल्स इस पॉइंट में अप्लाई होते हैं या नहीं. तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहे, और ऐसे वीडियोस लास्ट मिनट रिवीजन रिलेटेड वीडियोस में लाते रहता हूँ. चलो आइए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्लेस ऑफ सप्लाई, जो आपके पेपर में सेमेस्टर 6 में 10 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है. सो प्लेस ऑफ सप्लाई में आपको करना क्या है, आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स दिए होंगे, उस बेसिक पॉइंट में से एवरी इंडिविजुअल पॉइंट में आपको आइडेंटिफाई करना है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा. दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट कि वेदर द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द पॉइंट गिवन टू यू इज व्हाट, एंड वी नीड टू ऑल्सो राइट रीजन्स फॉर द प्लेस ऑफ सप्लाई. तो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए आपको रीजन्स भी लिखना जरूरी है. सो देर आर सर्टन रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग द प्लेस ऑफ सप्लाई. नंबर 1, इन केस ऑफ इम्पोर्ट द प्लेस ऑफ सप्लाई इज प्लेस ऑफ इम्पोर्टर. काफी इंपॉर्टेंट रूल है, तो इफ यू अंडरस्टैंड दिस रूल्स इट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई. तो पहला रूल ये बोलता है कि अगर आप कहीं से इम्पोर्ट कर रहे हो तो जो भी इम्पोर्ट करने वाला पर्सन है वो जहां रहता होगा वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा. That means in case of import, the place of supply is place of importer. Say for example, I am importing some goods from abroad. तो मैं जहाँ रहता हूँ वही place of supply बनेगा. Goods जहाँ पे आएंगे, goods जहाँ delivered होंगे, वो place of supply नहीं होगा. तो place of supply in case of import क्या बनेगा, place of importer. Number 2 is in case of artistic performance, the place of supply is place of performance. तो अगर कोई आर्टिस्ट है, अगर कोई आर्टिस्ट कहीं पे परफॉर्म करने जा रहा है तो वो जहां जाके परफॉर्म करेगा वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा. सो काफी सिंपल रूल है, आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस. देन द नंबर 3 पॉइंट इज व्हेन गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन. तो अगर आप गुड्स को असेंबल्ड कर रहे हो या गुड्स को आप इंस्टॉल कर रहे हो तो जहां पे गुड्स इंस्टॉल्ड होंगे या जहां पे गुड्स असेंबल्ड होंगे वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा. सो इट्स वेरी सिंपल. अगेन द व्हेन द गुड्स आर असेंबल्ड और वेयर द गुड्स आर इंस्टॉल्ड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन गुड्स आर सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर देन द प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड. अगर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में गुड्स को सेंड करेंगे, भेज देंगे, तो जहां पे गुड्स डिलीवर्ड होंगे वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा. तो ये जो बेसिक रूल्स है यही रूल्स के बेसिस पे आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं. तो आप अगर लास्ट ईयर का पेपर देखोगे तो इसके ऊपर ही क्वेश्चन बना है. सो इवन इफ यू अंडरस्टैंड द बेस ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई यू कैन इजिली राइट द आंसर्स फॉर द प्लेस ऑफ सप्लाई. एंड एवरी इंडिविजुअल पॉइंट विल कैरी 2 marks. 1 mark will be for identifying the place of supply and 1 mark will be for identifying the reason. तो reason भी लिखना है और place of supply भी लिखना है. तो अभी हम question को देखते हैं. देखो मैंने एक example यहाँ लिया है. Determine the place of supply in the following cases and give reasons. फर्स्ट पॉइंट, मिस्टर महेश ऑफ गुड़गांव इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम सिंगापुर विच वॉज डिलीवर्ड एट मुंबई एयरपोर्ट. तो एक महेश नाम का पर्सन है, वो महेश नाम का पर्सन कहाँ का है, गुड़गांव का है.
इंपोर्ट कर रहा है गुड्स सिंगापुर से, तो विच वॉज डिलीवर्ड एट मुंबई एयरपोर्ट। तो अभी ये एक फर्स्ट पॉइंट को आपको दो मार्क्स मिलेंगे, एक पॉइंट आपको एक मार्क मिलेगा आपको प्लेस ऑफ सप्लाई लिखने का, एंड एक मार्क आपको मिलेगा रीजन लिखने का। सो हाउ टू आइडेंटिफाई, देखो यहाँ पे पहला कंडीशन हमको अप्लाई करना है इम्पोर्ट का। तो इम्पोर्ट का कंडीशन मैंने आपको बताया था कि इन केस ऑफ इम्पोर्ट द प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, इन केस ऑफ इम्पोर्ट द प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा प्लेस ऑफ द इम्पोर्टर। तो महेश जो है वो गुड़गांव का है, वो इम्पोर्ट कर रहा है सिंगापुर से और उसके गुड्स का डिलीवरी मुंबई एयरपोर्ट पे मिल रहा है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई इंसान इम्पोर्ट करता होगा तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, प्लेस ऑफ इम्पोर्टर। तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट में प्लेस ऑफ इम्पोर्ट बने, प्लेस ऑफ इम्पोर्टर जो है गुड़गांव, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। तो आपको लिखना कैसे है इसका आंसर, कि आपको लिखना है द प्लेस ऑफ सप्लाई इज गुड़गांव, फिर रीजन लिखना है एज इन केस ऑफ इम्पोर्ट द प्लेस ऑफ सप्लाई इज प्लेस ऑफ इम्पोर्टर। तो मतलब यहाँ पे जो हमने रीजन लिखा था फर्स्ट जो रूल है वही रूल आपको वहां पे सेंटेंस फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है। सो फर्स्ट पॉइंट में आपका आंसर बनेगा गुड़गांव। देन द नेक्स्ट इज मिस्टर कपिल वेंट फॉर हिज परफॉर्मेंस एट चेन्नई फॉर वेडिंग रिसेप्शन सेरेमनी। देखो कपिल नाम का एक पर्सन है जो परफॉर्मेंस के लिए जा रहा है बाहर। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इन केस ऑफ आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस कहाँ पे होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। तो कहाँ जा रहा है परफॉर्म करने, चेन्नई, तो चेन्नई उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। सेकेंड पॉइंट के लिए आपको आंसर लिखना है द प्लेस ऑफ सप्लाई इज चेन्नई, एज इन केस ऑफ आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, नंबर थर्ड, मिस पूजा अ मेहंदी आर्टिस्ट वेंट टू जयपुर फॉर ब्राइडल मेहंदी फॉर वेडिंग। तो पूजा जो है शी इज अ मेहंदी आर्टिस्ट, अगेन इट्स द कंसेप्ट ऑफ आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस। तो पूजा आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस के लिए शी इज अ मेहंदी आर्टिस्ट एंड शी इज गोइंग फॉर अ ब्राइडल वेडिंग रिसेप्शन, या ब्राइडल वेडिंग के लिए शी इज गोइंग जयपुर। तो कहाँ पे होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, येस यू आर एब्सोल्युटली राइट, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज जयपुर। तो जयपुर यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर फोर्थ, मेसर्स ए बी डिलीवर्ड सेट टॉप बॉक्स टू मेसर्स जेड ऑफ पंजाब विच वॉज इंस्टॉल्ड एट हिज हेड ऑफिस एट मुंबई। तो ये पॉइंट है हमारा, अगर हम कुछ भी असेंबल्ड करेंगे या अगर हम कुछ भी इंस्टॉल्ड करेंगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा प्लेस ऑफ असेंबली या प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ असेंबली या प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन कहाँ पे है, प्लेस ऑफ असेंबली या प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन है मुंबई। तो पॉइंट नंबर फोर्थ का आपका सही आंसर बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई बिकॉज installation is at Mumbai. Then point number fifth is also similar to point number four, an elevator manufacturer OTIS, तो OTIS नाम का एक कंपनी है जो एलिवेटर्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, इंस्टॉल्ड एलिवेटर एट सोसाइटीज प्रीमाइसेस इन बैंगलोर। तो यहाँ पे भी आपको क्या याद रखना है, इंस्टॉलेशन कहाँ किया गया है, इंस्टॉलेशन हुआ है बैंगलोर में, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा बैंगलोर। देन मिस्टर प्रीतेश डिलीवरी 20 प्रीतेश ने डिलीवर किया है 20 टीवी सेट्स टू रोहन ऑफ मुंबई। तो प्रीतेश ने डिलीवर किया 20 सेट्स टू रोहन ऑफ मुंबई, हमारा लास्ट पॉइंट है कि जहाँ पे भी हम गुड्स सेंड करेंगे, जहाँ पे भी हम गुड्स रेमिट करेंगे, वहाँ के लिए रूल बनता है कि जहाँ पे गुड्स डिलीवर हो रहे हैं वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो पॉइंट नंबर सिक्स का आपका सही आंसर बनेगा द प्लेस ऑफ सप्लाई इज मुंबई। दैट्स इट, दिस वॉज द वीडियो। मैंने एक छोटे लेवल पे काफ़ी कम बेसिस पे सारे के सारे पॉइंट्स को ट्राई किया है कवर अप करने का। बेसिकली इसी के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, नाम चेंज होके या थोड़े पॉइंट्स को इधर उधर करके पेपर में 10 मार्क्स के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई ये कंसेप्ट पूछा जा सकता है। सो आई वॉज रिसीविंग मैनी कमेंट्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट दे यू ऑल आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन प्लेस ऑफ सप्लाई। सो आई विल बी ऑल्सो पुटिंग वन वीडियो ऑन टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई के ऊपर भी एक वीडियो डालूंगा। तो फिलहाल ये प्लेस ऑफ सप्लाई का वीडियो आपको कैसे लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आपको सही में ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर उसको ज़रूर करें। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लास्ट मिनट रिवीजन विद RSM, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर। थैंक यू वेरी मच।